हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ओक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्लोसिप टैबलेट्स और उसके क्रीम के बारे में। साथ ही सीखेंगे कि जो क्लोसिप का जो डस्टिंग पाउडर आता है उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो ये लेक्चर के अंदर सीखेंगे हम क्लोसिप मेडिसिन के बारे में और जानेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, सीखेंगे उसका डेली डोज क्या होता है और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या डेवलप होते हैं अगर आप ये मेडिकेशन को यूज़ करते हैं। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ओक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर ओक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मर ओक्स की ऐप ऊपर। अब आप डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स भी फार्मर ओक्स की ऐप ऊपर एक्सेस कर पाओगे और सीखे अलग अलग डिसीज के ट्रीटमेंट्स के बारे में और जानेंगे मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं। तो सीखे डिटेल में एक साल तक, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मर ओक्स और एक्सेस करिए डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स। क्वेरी हो तो 9016312020 नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझते हैं क्लोसिप के बारे में। तो सबसे पहले क्लोसिप क्या है वो समझते हैं। तो क्लोसिप जो है वो ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं एंटी फंगल ड्रग्स, कि ऐसी दवाइयाँ कि जो फंगल इन्फेक्शन के इलाज में यूज़ किए जाते, कि सब जो कि आपकी बॉडी पे किसी भी जगह पे जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये क्लोसिप मेडिकेशन जो है वो यूज़ होती है। पर जो क्लोसिप है वो उसका ब्रांड नेम है, बट उसके अंदर जो मेन मेडिकेशन है वो है क्लोट्राइमाजोल। तो यहाँ पे आप देखो क्लोसिप का डस्टिंग पाउडर ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये ब्रांड नेम है क्लोसिप की, जिसके मैन्युफैक्चर है सिप्ला। तो सिप्ला जो फार्मास्यूटिकल है इसका ये प्रोडक्ट है, इसलिए इन्होंने उसको जो ब्रांड नेम दिया है वो है ये क्लोसिप। बट उसके अंदर जो कोई मेडिकेशन है तो वो है ये क्लोट्राइमाजोल। और क्लोट्राइमाजोल एक एंटी फंगल मेडिकेशन है कि जो अलग अलग फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आगे समझे तो उसके अलग अलग डोजेस फॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि क्लोसिप का पाउडर अवेलेबल है, उसी तरह से उसके क्रीम भी अवेलेबल है और वजाइनल टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। कि यहाँ पे आप उसके डोजेस फॉर्म देखेंगे तो सबसे पहले उसका डस्टिंग पाउडर है कि समझो कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उस वक्त डायरेक्टली वो एरिया पे आप ये पाउडर जो है वो लगा सकते हैं कि दिन में दो बार या फिर तीन बार आप वो अफेक्टेड एरिया पे ये पाउडर डायरेक्टली लगा सकते हैं। फिर उसके टैबलेट्स की हम बात करें तो ये क्लोसिप के एंटी फंगल जो टैबलेट्स है कि क्लोट्राइमाजोल के वजाइनल टैबलेट की, जब वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं तो उस वक्त क्लोसिप के ये वजाइनल टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ रहती है 100 मिलीग्राम की। तीसरा हम देखें कि अगर समझो कि कोई टैबलेट यूज़ नहीं कर पा रहा है वजाइनल टैबलेट्स, तो उनके लिए जो ऑप्शन बनाया है कंपनी ने वो है क्लोट्राइमाजोल की क्रीम। कि अगर कोई वजाइनल कैविटी के अंदर टैबलेट को इंसर्ट नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि ये क्लोसिप की क्रीम भी वो अफेक्टेड एरिया पर लगा सकते हैं और अदर देन वजाइनल एरिया भी ये क्लोट्राइमाजोल की क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है, कि जिसके अंदर भी क्लोट्राइमाजोल ही है, 1% जितना कंटेंट रहता है और क्रीम रहती है टोटल 15 ग्राम की। तो अब समझते हैं क्लोट्राइमाजोल के बारे में। तो क्लोट्राइमाजोल एंटी फंगल मेडिकेशन हो गया और एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन कह सकते हैं कि एंटी फंगल जो एंटीबायोटिक्स होते हैं तो ये क्लास का ये मेडिकेशन। और स्पेशली ये जो यीस्ट से होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, फंगस से होने वाले इन्फेक्शन होते हैं, उसके इलाज में स्पेशली ये मेडिकेशन यूज़ किया जाता है। और ये खास ध्यान रखो ये मेडिकेशन जो है वो टॉपिकली इफ़ेक्टिव है, इसलिए आप देखो इसके कोई ओरल टैबलेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। कि उसकी ओरल टैबलेट आप देखो कोई भी अवेलेबल नहीं है। पाउडर है तो पाउडर भी आप डायरेक्टली टॉपिकल लगाते हैं। टॉपिकल मतलब कि डायरेक्टली आप स्किन के जैसे कॉन्टेक्ट में आए उस तरह से वो मेडिकेशन को लगाते हैं, कि जैसे स्किन के लेयर्स के ऊपर आप लगाते हैं, वजाइनल कैविटी के अंदर जो उसका जो मेम्ब्रेन होता है इंटरनल, वहाँ पे ये मेडिकेशन रिलीज होगी। और अगर आप उसकी क्रीम रहते हैं तो भी वो एक्सटर्नल यूज़ के तौर पे ही यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी जो इफ़ेक्ट है वो टॉपिकली रहते हैं। डायरेक्टली जो स्किन के लेयर्स होते हैं उसके थ्रू ये मेडिकेशन का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। तो
ये खास ध्यान रखना है कि अगर आप वजाइनल टैबलेट भी यूज़ करते हैं तो उसको सिर्फ वजाइनल ही यूज़ करना है, कभी उसको ओरली जो है वो यूज़ नहीं करनी है। फिर ये जो इमिडाजोल क्लास का एंटी फंगल मेडिकेशन हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर हम देखें तो जो पीछे ये एजोल लगता है, तो एजोल लगता है ये इमिडाजोल रिंग के कारण, कि जो ये मेन केमिकल रिंग उसके अंदर प्रेजेंट है कि जिसके कारण उसके नाम पे पीछे ये एजोल लगता है। और ये जो कैंडिडा अल्बिकेंस जो होते हैं और जो यीस्ट होते हैं, दो पॉपुलर ऐसी फंगस कि जिनके कारण बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, वजनल इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव ये मेडिकेशन रहता है। तो बेसिक यूज़ हम समझे तो वजनल यीस्ट इन्फेक्शन के इलाज में यूज़ किया जाता है, कि आप यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर देखो फर्स्ट वन, कि जो वजनल रूट है, वजनल एरिया जो पूरा है, वजनल कैविटी जो हम कहते हैं, तो वहाँ पे आपको यीस्ट के कारण इन्फेक्शन हो रहा है। उसके सिम्टम खास कर ऐसा होता है कि अंदर जो है वो कई बार सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन जैसा आपको देखने को मिलता है, इचिंग होती है, डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिकेशन उसको ट्रीट करती है। फिर सेकंड हम देखें तो ऐसे ओरल थ्रस्ट डेवलप होते हैं कि आपके ओरल कैविटी के अंदर जब वजाइनल स्पेशली जिस तरह से वजाइनल इन्फेक्शन होता है उसी तरह से ओरल कैविटी के अंदर ही इस तरह सा इन्फेक्शन जब फैलता है तो उसको भी ये ट्रीट करती है मेडिकेशन क्लोट्राइमाजोल। फिर जो डायपर के कारण होने वाले जो रैसेस होते हैं उसके भी इलाज में ये मेडिकेशन काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। फिर जो पिटेरियासिस वेरी वर्सिकुलर की जो कंडीशन जो प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे ये डायग्राम में आप देखो कि ये जो इस तरह से आपकी स्किन के ऊपर ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ये वर्सिकुलर की जो कंडीशन जो प्रोड्यूस होती है तो उसको भी ट्रीट करता है ये क्लोट्राइमाजोल का टैबलेट। फिर ऐसे रिंग वॉर्म वगैरह होते हैं तो यहाँ पे जो है वो आप उसकी क्रीम लगा सकते हैं टॉपिकली, यहाँ पे भी जो है उसकी आप क्रीम लगा सकते हैं या फिर आप उसके पाउडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, जो रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं। फिर एथलेट्स फीट की जो कंडीशन डेवलप होती है और जो इच मतलब कि इचिंग वगैरह की कंडीशन प्रोड्यूस होती है फंगल इन्फेक्शन के कारण, तो सभी में ये क्लोट्राइमाजोल या फिर जो क्लोसिप के जो अलग अलग डोजेस फॉर्म है वो यूज़फुल है। कि अगर किसी को वजाइनल इन्फेक्शन है तो उस वक्त वो वजाइनल टैबलेट्स वगैरह को यूज़ करेगा। फिर क्लोट्राइमाजोल के लोजेंजेस भी अवेलेबल होते हैं कि जो डायरेक्टली आप ओरल कैविटी में रख सकते हैं, और जो क्रीम होती है वो वहाँ पर आप डायपर रेसेस के ऊपर क्रीम लगा सकते हैं या फिर पाउडर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको जो है अलग अलग डोजेस फॉर्म यूज़ होते हैं। टैबलेट के डेली डोज के बारे में हम समझे तो जो वजाइनाइटिस की जो कंडीशन होती है वजन इन्फेक्शन, तो उसकी इफ़ेक्ट रहती है लॉन्ग लास्टिंग रेसिडियल इफेक्ट रहती है कि वंस अ डे जब आप उसको यूज़ करते हैं तो उसका डोज रहता है ओडी वंस अ डे, और ये रहता है ये 100 मिलीग्राम, तो डोज बन जाता है 100 मिलीग्राम जितना ओडी मतलब कि वंस अ डे, और ये स्पेशली रात को जो है वो आप वजाइनल कैविटी के अंदर रखते हैं कि वजाइना के अंदर ये टैबलेट को रखनी होती है। उसके लिए साथ में ये एप्लीकेटर भी दिया जाता है कि जिसको यूज़ करके आप प्रॉपर वजाइनल एरिया के अंदर जो है उसको रख सकते हैं। तो 100 mg ओडी रहता है और 6 दिन तक आप डेली उसको यूज़ करेंगे, इसलिए देखो कंपनी भी यहाँ पर टोटल आपको 6 टैबलेट्स दे रही है, कि यहाँ पर लिखा है टोटल 6 टैबलेट उसके साथ जो है वो दी जाती है, और 6 डेज़ का जो है वो कोर्स जनरली यूज़ किया जाता है, और उससे वजाइनल इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट हो जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर ही 1 वीक और जो है वो इसकी थेरेपी चलती है। तो जब समझो कि क्लोट्राइमाजोल जो है उसके ट्रॉचे भी अवेलेबल थे, कि जो लॉजेंजिस वगैरह हम कहते हैं कि ओरल कैविटी के अंदर आप वो लॉजेंजिस को रखते हैं और उसको चबाना होता है, जैसे आप कोई च्युइंगम वगैरह खाते हैं, कोई चॉकलेट वगैरह खाते हैं, उसी तरह से उसको चबाना होता है, और धीरे धीरे उसकी जो मेडिकेशन जो है वो आपके ओरल कैविटी के अंदर रिलीज होती है और वहाँ पे हुआ ये फंगल इन्फेक्शन को वो ट्रीट करता है। तो जिस तरह से वजाइनल एरिया के अंदर आप वजाइनल टैबलेट रखते हैं उसी तरह से ये जो है सिर्फ और सिर्फ ओरल कैविटी में रख के आपको जो है वो चबाना होता है, कि जिससे वो मेडिकेशन वहीं पे रिलीज हो, बिकॉज जितनी देर तक मेडिकेशंस वहाँ पे रिलीज होती रहेंगी वो अपनी एक्शन जो है वो वहाँ पे देगा। इफ़ेक्टिवनेस हम समझे तो जो ट्रीटमेंट है वो 60-80% क्योर रेट उसका
और रिपोर्ट होता है कि 2 से 4 वीक तक आप उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं, और वो भी ट्वाइस अ डेली की। अगर आप समझो कि उसके टॉपिकल क्रीम ये वाले यूज़ कर रहे हैं, तो दिन में 2 बार जो है वो क्रीम लगा रहे हैं आप, कि 101 कि दिन में 2 बार आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, और वो भी 2 से 4 वीक तक, तो प्रॉपर 60 से लेकर 100% जो है वो क्योर रेट जो है वो रिपोर्ट हुआ है ये मेडिकेशन को यूज़ करने से। कि जो टीनिया इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि जो रिंग वॉर्म्स वगैरह होते हैं, कि वहाँ पे आप ये अप्लाई करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव बनते हैं। उसी तरह से जो एथलेट्स फीट की कंडीशन होती है, उसमें भी इसके जो क्योर रेट है 80% या फिर उससे ज़्यादा, कि अगर आप प्रॉपर उसको 6 डेज तक यूज़ करते हैं, और वो भी 100 मिलीग्राम की टैबलेट वंस डे के तौर पर। फिर उसके जो पाउडर है, तो पाउडर भी आप डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर, कि जो जो है वो अपनी टॉपिकल इफ़ेक्ट देता है, कि अफेक्टेड एरिया पर डायरेक्टली ये पाउडर लगाने से काफ़ी जो है वो इफ़ेक्टिव साबित होता है। फिर प्रेगनेंसी की हम बात करें, तो प्रेगनेंसी कैटेगरी बी है ये मेडिकेशन की। क्लोट्राइमाजोल है वो कैटेगरी बी में कैटेगराइज किया जाता है, और सिर्फ स्मॉल अमाउंट जो है क्लोट्राइमाजोल का एब्जॉर्ब होता है सिस्टमेटिकली, कि जब उसको आप टॉपिकली और या फिर वजेनली एडमिनिस्टर कर दे। तो यूजली खासकर वजेनल इन्फेक्शन समझो कि होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस वक्त उसका जो है वो मिनिमम 3 दिन तक या फिर 6 दिन का कोर्स जो है वो लगता है। कि अगर वजेनल इन्फेक्शन काफ़ी कम है तो 3 दिन में भी वो क्योर हो जाता है इसके वजेनल टैबलेट यूज़ करने से, और ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 दिन तक यूज़ करते हैं। तो टॉपिकल जो क्लोट्राइमाजोल है वो सेफ़ कही जाती है वजाइनल इन्फेक्शन या फिर जितने भी अलग अलग यीस्ट इन्फेक्शंस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको ट्रीट करने के लिए। अब उसकी मेकेनिज़म समझे, तो किस तरह से ये मेडिकेशन काम करती है। तो यहाँ पे आप देखो, ये एजोल क्लास का मेडिकेशन है, इमिडाजोल इसके अंदर रिंग है। तो जो कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और क्लोट्राइमाजोल की तरह है, ये लैनोस्टेरॉल 14-alpha-D-methylase जो है उसकी एक्टिविटी को कर देता है इनहिबिट। अगर ये नहीं होगा तो आगे जाके अर्गोस्टेरॉल नहीं होगा, और अर्गोस्टेरॉल नहीं होगा तो फंगल की सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, और फंगल का ये आउटर सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा तो ये फंगल सेल जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है कम्प्लीटली, उसकी डेथ हो जाती है। और जैसे जैसे आप ये मेडिकेशंस लेते रहते, तो जितने भी फंगल सेल डेवलप हुए होते थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण आप जो है वो फंगल इन्फेक्शन में से कम्प्लीटली रिलीफ हो जाते। तो इस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करती है। साइड इफ़ेक्ट समझे उसके, तो अगर आप ओवरडोज में यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है ये मेडिकेशन के कारण, डायरिया हो जाते हैं कुछ लोगों को अगर उसको प्रॉपर जो है वो डोज में यूज़ ना किया जाए, स्किन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, रैसिस डेवलप हो सकते हैं, कि अगर आपकी आपको क्लोट्राइमाजोल या फिर ऐसे एजोल क्लास के मेडिकेशन की एलर्जी है, हाइज डेवलप हो जाना, ब्लिस्टर्स जैसा डेवलप हो जाना, बर्निंग होना, ईचिंग जैसा होना, पीलिंग जैसा फील होना, रेडनेस या फिर स्वेलिंग जैसा जो है वो पेशेंट फील कर सकते हैं अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं क्लोसिप के, चाहे उसका पाउडर है, क्रीम है या फिर उसके टैबलेट्स है वजाइनल। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखें तो फीमेल शुड नॉट सेल्फ ट्रीट विद इंट्रावजाइनल क्लोट्राइमाजोल प्रोडक्ट इफ़ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट। की और सेल्फ ट्रीट नहीं करना चाहिए आपको क्लोट्राइमाजोल के वजाइनल टैबलेट से, कि अगर आपको नीचे देखे गए सिम्टम्स है, जैसे कि आपको एब्डोमिनल पेन जैसा हो रहा है, तो अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रही है तो उस वक्त तुरंत जो है वो सेल्फ मेडिकेशन ना करें क्लोट्राइमाजोल का। सेकंड, आपको अगर फीवर है 100 डिग्री या फिर उससे भी ज़्यादा तो भी ये टैबलेट को यूज़ ना करें। फिर वजाइनल डिस्चार्ज ऐसा आ रहा है कि उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी फाउल स्मेलिंग है, तो उस वक्त भी एक बार प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के सलाह के बाद ही यूज़ करें। और ऐसे सिम्टम्स है तो उसका मतलब ये है कि कुछ अनदर वजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर आपको PID का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं कि अगर एब्डोमिनल पेन भी है, साथों साथ फीवर भी है, और ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है कि जिसमें काफ़ी फाउल स्मेल आ रही है, ख़राब स्मेल आ रही है, तो उस वक्त तुरंत ये क्रीम या टैबलेट यूज़ ना करें। पहले प्रॉपर जो है अपनी जांच करवाए, रिपोर्ट करवाए, और उसके बाद ही जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के सलाह के अकॉर्डिंग टू ही ये मेडिकेशन को यूज़ करें। तो कई बार लोग कन्फ्यूज़ होते हैं क्लोट्राइमोक्साजोल के साथ, कि जो क्लोसिफ है
तो क्लोसिप का जो जेनेरिक नेम है क्लोट्राइमाजोल, तो क्लोट्राइमाजोल के साथ कई बार लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कोट्राइमोक्साजोल के साथ। तो दोनों अलग अलग है कि ये जो कोट्राइमोक्साजोल है वो एंटीबैक्टीरियल है, तो ये एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन है, जबकि क्लोट्राइमाजोल जैसे हमने समझा तो वो एक एंटी फंगल मेडिकेशन है। तो दोनों अलग अलग है, बट उनके जो स्पेलिंग है वो काफ़ी सिमिलर जैसे लग जाते हैं कई बार, कि अगर आप काफ़ी जल्दी में चेक करो तो गलती हो सकती है, तो ये खास ध्यान रखें। तो क्लोट्राइमाजोल एंटी फंगल हो गया, कोट्राइमोक्साजोल जो है वो एंटीबैक्टीरियल है, कि जिसके अंदर एक पार्ट रहता है ट्राइमिथोप्रिम का और पांच पार्ट जो है वो उसके अंदर रहते हैं सल्फामेथोक्साजोल का, कि SMX है और TMP जो लिखा जाता है तो 5ZM1। तो ट्राइमिथोप्रिम को TMP लिखा जाता है, सल्फामेथोक्साजोल को SMX। तो इस तरह से उसका कॉम्बिनेशन बनता है कि SMX समझो कि 400 है तो TMP ATMG होगा, और SMX समझो कि 800 है तो TMP हो जाता है 160MG। तो ऐसे ही अलग अलग मेडिसिंस के बारे में सीखे, फार्मारॉक्स के ऊपर के सीखे, मेडिसिंस के बेसिक यूज़, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो दवाइयों की पूरी जानकारी आपको मिलेगी वो भी सरल भाषा में फार्मारॉक्स के ऊपर। तो एक्सेस करिए उसके कोर्सेज, जैसे कि PDF एक्सेस कर सकते हैं, PDF वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर ये नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9016312020। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए ज़रूर से डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन ऐप के लिए डाउनलोड करें ऐप स्टोर से, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।